हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अमार्गसॉरस के बारे में बताने जा रहा हूँ। अमार्गसॉरस सौरोपॉड डायनासोर का एक वंश है जो अब अर्जेंटीना में है। एकमात्र ज्ञात कंकाल की खोज 1984 में हुई थी और लगभग पूरी तरह से पूरी हो चुकी है, जिसमें एक टुकड़े की खोपड़ी भी शामिल है, जिसमें अमार्गसॉरस अपने युग के सबसे प्रसिद्ध सौरोपॉड्स में से एक है। अमार्गसॉरस पहली बार 1991 में वर्णित किया गया था और एक एकल प्रजाति अमार्गसॉरस कैजुई शामिल है। यह एक बड़ा जानवर है, लेकिन एक सौरोपॉड के लिए एक छोटा, लंबाई में 9 से 10 मीटर तक पहुंचने के लिए। सबसे विशिष्ट रूप से यह किसी भी अन्य ज्ञात सौरोपॉड की तुलना में ऊंचे, अपनी गर्दन और पीठ के नीचे लंबी कणों की दो समांतर पंक्तियाँ रखती है जीन में। इन कणों को सबसे अधिक संभावना शरीर के एकांत संरचनाओं के रूप में फंसे हो सकते हैं, जो केराटिन्स म्यान का समर्थन करते थे। एक वैकल्पिक परिकल्पना अब कम इष्ट यह मानती है कि वे पाल का समर्थन कर सकते हैं, जो एक पाल पाल का समर्थन करते हैं। वे प्रदर्शन, युद्ध या बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्गसॉरस कोला एमग्रा फॉर्मेशन के तलछटी चट्टानों में खोजा गया था, जो कि बेरीमिरियन और अर्ली क्रेट्रॉस के देर से अपटियन चरण के लिए हैं। एक हर्बीवोर ने कम से कम 3 अन्य सौरोपॉड प्रजातियों के साथ अपने पर्यावरण को साझा किया, जिसके प्रतियोगिता को कम करने के लिए विभिन्न खाद्य स्रोतों का फायदा उठाया हो। अमार्गसॉरस शायद मध्य ऊंचाई पर खिलाया, जैसे कि अपने भीतर के कान अभिविन्यास और अपनी गर्दन कशेरुकाओं की अभिव्यक्ति से दिखाया गया है, जो जमीन के ऊपर 80 सेंटीमीटर सनोवन की आदत स्थिति और 2.7 मीटर की अधिकतम ऊंचाई बताती है। सौरोपोडा के भीतर अमार्गसॉरस विलुप्त जेरासिक जिनेरा डाइकोरेसॉस बर्ची ट्रेल होपान और सुओ पोसेस से सबसे निकट से संबंधित हैं। साथ में इन प्रजातियों के परिवार डिकारेसोराइड होते हैं, जो कि छोटे मस्तिष्क और छोटे शरीर के आकारों को दिखाने में अन्य सौरोपॉड्स से भिन्न होता है। थैंक यू।